रो रहा है तू? ये बहुत खुश है जाने के लिए। सीन कर दिया आज। क्या हो गया भाई? ओ इधर इधर, क्या हो गया? रो रहा है तू? हाँ दिखा 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 दिखा। अबे भाई साहब क्या हो गया? समझ गया, मैं समझ गया। मोहब्बत कल जा रही है, मोहब्बत सुबह पहली फ्लाइट से, तो उसका गम है भाई को। अबे तो क्या हमेशा के लिए जा रही है क्या? तो फिर कभी इतना दूर हम लोग मिलने से पहले तो थे ना भाई? मोहब्बत अलग है लेकिन जब से मिले कभी अलग ही रहे ना। तो अभी कुछ कर सकते हैं इसका वो बता। टिकट भी करी तूने खुद, भेज भी तू खुद रहा है। बेबी आप जा रहे हो कल यानी कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट है ना? यार तुमको पता है जब से हम लोग मिले हैं तब से पहली बार हम लोग मतलब दूर रहेंगे, मतलब आप अलग हो रहे हो। हाँ बेबी लेकिन हम जाना तो पड़ेगा ना, मम्मी की भी याद आ रही थी इतने दिन से कहीं गई नहीं। तो आपका मन लग जाएगा मेरे बिना? आपका तो लग ही रहा है इसलिए मेरे पास बैठ नहीं रहे हो, 2 मिनट भी बाहर बैठ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ? तब से मैं अंदर ही था, छूट गया तो थोड़ा सा मन कर रहा था मेरा बाहर बैठने का। एक दिन मिला है, 2-3 घंटे मिले हैं बैठने के लिए, तब भी नहीं बैठ सकते थे साथ में। अभी जस्ट मैं खाली अंदर गया था। एक बात बताओ, रह लोगे मेरे बिना? और कितने दिन के लिए जा रहे हो बताओ पहले? आई थिंक 1 महीना। चलो अब इतने दूर जाऊंगी कम से कम 1 महीना तो मम्मी के साथ। कितना दूर? सुबह की फ्लाइट पकड़ो, वहाँ से 5 घंटे का 4 घंटे का घर का रास्ता, और क्या है? दूर ही है ना, आपसे जाऊंगी दूर तो आपसे तो बहुत दूर हुआ ना मेरे लिए। मुझे याद आई तो कहाँ पा जा रहा, आपको तो वैसे भी फेवरेट प्लेस है ना हिमाचल। अच्छा ये बताओ वीडियो क्यों बना रहे इसकी? याद आई ना। अच्छा इसलिए? यस 7:45 की फ्लाइट है तो इसके हिसाब से हम लोग चलोगे छोड़ने? तो सुबह 7:45 की फ्लाइट है और हम लोग को मतलब अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, यानी कि 5 बजे निकलना पड़ेगा। बोर्डिंग पास भी नहीं निकाला है, तो बोर्डिंग पास एक्चुअली 48 आवर्स पहले निकालना पड़ता है, यानी कि जब भी फ्लाइट आपकी होती है। बिकॉज ऑफ दिस जो सिचुएशन चल रही है इसमें ज्यादा करके वो लोग अवॉइड करते हैं कि वो लोग वहाँ से बोर्डिंग पास प्रोवाइड ना करें, तो इसीलिए 48 आवर्स पहले हम लोग को बोर्डिंग पास निकालना पड़ता है। हम लोग निकालना भूल गए थे, नॉट भूल गए थे मतलब एक्चुअली लेट हमने किया ना। जो हम लोग की जो लास्ट वीडियो आई थी उसके चक्कर में हाँ थोड़ा शेड्यूल टाइट था तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था। सो अब लेट्स सी कितना बज रहा है बेबी बता दो जरा। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है, तो एटलीस्ट कम से कम 7 मिनट तो हम लोग को 4 बजे उठना पड़ेगा और 5 बजे निकलना पड़ेगा, यानी कि 2 आवर्स बिफोर, ताकि जो भी प्रोसीजर्स है जो भी सारी चीजें हैं यानी कि जो आरोग्य सेतु ऐप हम लोग को दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, आरोग्य सेतु ऐप दिखाना पड़ेगा और कोविड की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी एयरपोर्ट पे। तो दिस आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर भी, अगर जहाँ पर भी आपको जरूरत है तो आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप रहना चाहिए। सेकेंड थिंग आपके पास आपकी कोरोना की कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए कि आप इसको कुछ काम नहीं है, दिखाना जरा इसकी शक्ल, इसको क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है आज नहीं, ये बचपन से सिंगल है और इंशाल्लाह सिंगल ही रहेगा। क्यों? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, 2 घंटे की नींद लेते हैं फिर उठते हैं। तो जैसे आपको पता है कि शालिनी बेबी आज जा रही है, सुबह की फ्लाइट है उनके साथ, मुझे की 7:30 फ्लाइट है। अच्छा तो किसी को भी लग रहा घर पूरा खाली खाली रहेगा, खासकर किचन पूरा खाली खाली रहेगा, हमें खाके मतलब खाने के लिए कौन मिलाएगा, तो देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? सुकून से बैठने मत देना नैन्सी, है ना? मैं जहाँ भी मैं हूँ वहाँ पे सुकून हो ही नहीं सकता। कैसा लग रहा है आपको? कितनी अजीब सी आपको कैसे लग रहा है आज? कसम से पहली बार घर में ऐसी पहली रात लग रही है कि मतलब पहली रात है, वो लात नहीं है, पहली रात है जो जिसमें क्वेश्चन मार गया मालूम। और आपको कैसे लग रहा है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। देखो 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 लड़की ब्लशिंग, देखो इसकी इसका चेहरा देखो मोटा सा, आप तो कमीशन बन जाओगे ना। उठाओ टाइम जा रहा है, अब अपने भाषण में ना करें। नहीं नहीं टाइम नहीं जा रहा है, जो प्यार होता है ना तब नींद खराब होती नहीं दिख सकता कभी भी, एक चीज़ याद रखना प्यार में। कराऊंगे थोड़ा और 5 मिनट, थोड़ा और 5 मिनट, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि फ्लाइट छूट जाए। मेरी आंखें तो आप लोग देख ही रहे हो, मतलब मैं सो गया था, मैं 1 घंटा सोया हूँ लेकिन मैं जल्दी उठ गया हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है फ्लाइट, चलो जल्दी उठाओ। मे बी ओ चलो फ्लाइट का टाइम, उठो 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 उठो
देखो वीडियो स्टार्ट है। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। सो जल्दी मॉर्निंग। तो भाई निकल चुके हैं हमारी मंजिल की तरफ, मतलब ये हमारी मंजिल नहीं है, ये शालिनी की मंजिल है। रात से तो मैं ही बोल रहा हूँ बेबी, आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो कि आप इस बार अकेले जा रहे हो, मतलब तो जब से हम मिले उसके बाद से, तो क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? चलो फटफट मुंबई खाली करो। गाड़ी कितनी खाली खाली लग रही है ना, तो अब जाना भी तो जरूरी था ना, काम ही ऐसा है। जाना जरूरी था माना, पर ये गाड़ी बहुत कहीं तो कुछ तो मिसिंग है, वो भी अभी अभी मिस हुआ है। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आ गया, तो उसके बिना बहुत खाली खाली सा तो लग रहा है ऐसे पांडा सा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग जब से मिले थे ना, तो शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग जुदा हुए हैं, जुदा हुए हैं और वो अकेले ट्रैवल कर रही है। तो वैसे भी वो मेरी गाय है, उसको मतलब मैं उसको प्यार से गाय बुलाता हूँ, गाय। तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि उसकी जर्नी एकदम सेफ हो, इंशाल्लाह अच्छे से पहुँच जाए वो, और आपको जाके बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स वगैरह दें हिमाचल में। और हिमाचल हम भी देखते हैं कि मतलब दिन कैसे गुजरते हैं, और हम भी आपको कुछ बिना शालिनी की अपडेट देते हैं थोड़े दिन, फिर ज़रूर मिलेंगे एक धमाके के साथ। एक बार फिर मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, लेकिन ना फ्लाइट मिस हुई है ना कुछ नहीं हुआ है, तो आज हुआ है एक्चुअली, कोरोना चाचा ने सीन कर दिया आज। यार तुम बोर कर रही हो यार, फिर सो रही हो यार। नींद खराब हुई है मेरी 20 घंटे की। 20 घंटे की नींद जागी? हाँ। तो तुम रात में ही हो खाली। मतलब मेरे लिए तेरे को नींद ज्यादा जरूरी है यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी अच्छे से रहो, थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहो यार, क्या अच्छी याद इतनी बोरिंग है। शायद तुमने क्या कर दिया इसको इतनी बोरिंग। कौन सोया हो भाई, मैं भी नहीं सोया हूँ। मैं One eternity later. उधर 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 क्या है ये? ये खाते हो? हाँ हम खाते हैं, तुरई है, तुरई। आवाज नहीं आ रही? तुरई है ना, खाते हैं इसको? तो खाते हैं, खाते हैं। तो क्या करते हैं? फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो लड़की खुशी देखो सब्जियां ले रही है खुशी खुशी में एकदम। सो हे एवरीवन, होप यू ऑल लाइक दी वीडियो। एक्चुअली ये हम लोग की जो वीडियो थी ना, ये बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, मतलब बहुत ही इमोशंस के साथ जुड़ी हुई वीडियो थी। और ये बोलते हैं ना कि इत्तफाक जो होता है, जब मेरा मन नहीं था भेजने का और मैं रह भी नहीं सकता था, मैं वापस भी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइव नहीं कर पाई। तो कुछ दिन आप लोगों ने देख लिया, ऐसा हुआ कि वो रिपोर्ट में गलती से डेट गलत आ गई, तो जिसकी वजह से फ्लाइट मतलब कैंसिल होनी पड़ी, बिना कोविड रिपोर्ट के कोई ट्रैवल कर ही नहीं सकता। रूल्स हम तोड़ नहीं सकते और रूल्स हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो बोलते ना कि इत्तफाक था, और शायद एक मेरा मतलब मेरी मोहब्बत थी और अल्लाह ताला से मेरा रोना नहीं देखा गया, तो इसलिए मेरा बच्चा यू नो वहीं से वहीं रिटर्न हो गया, हम लोग साथ में जाएंगे। सो जितना प्यार और जितना जितनी मतलब और इन्होंने दो तीन दिन पहले ही रेड लगाई थी, मत जाओ ना, मत जाओ ना, क्या करोगी तुम जाके। तो हाँ वॉशरूम से निकल के बोलते हैं ले लीजिए, वॉशरूम में बीच में आता है बार बार, वॉशरूम फेवरेट नहीं।
तो जितना प्यार और जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, मतलब ताकि हम आपको हर चीज बता सके, ताकि आपके साथ हर चीज शेयर कर सके, तो उतना ही आप भी शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बस सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।